हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण का अगला पार्ट सीखेंगे। अभी तक मैंने आपको चार टाइप के समीकरण बता दिए हैं, तो आज हम आप सभी लोगों को इस टाइप का प्रश्न बताएंगे। तो इसको चलिए रफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x माइनस 1/4 प्लस 2/1 बराबर 1 प्लस 2x प्लस 3/6 लिखा हुआ है। जब भी आपको इस तरह का समीकरण देगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए x माइनस 1/4 प्लस 2/1 लिखा हुआ है, ये आपको क्या भिन्न का जोड़ की तरह दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक का गुणा x माइनस 1 में करेंगे। तो एक का गुणा हम x माइनस 1 में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, x माइनस 1 ही रहेगा। बटे वे का चिन्ह लाएंगे। अब चार का गुणा हम क्या करेंगे, दो में करेंगे। जब चार का गुणा दो में करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब नीचे देखिए कितना बच रहा है, चार बच रहा है, एक बच रहा है, इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे। चार एक कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो आप पूरे बटे का चिन्ह लाकर यहाँ पर चार लिख लेंगे। बराबर का चिन्ह लाएंगे, यहाँ पर देखिए एक है, एक के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप सुविधा अनुसार एक लिख लेंगे। एक बटे एक हो गया, प्लस 2x प्लस 3/6 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, छः का गुणा हम एक में करेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। एक का गुणा 2x प्लस 3 में करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है, वो क्या आपका 2x प्लस 3 ही रह जाएगा। नीचे देखिए क्या है आपका, एक का गुणा हम 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात तो सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हमारा अगला स्टेप देखिए क्या है, चाहे तो आप 4 और 6 को यहाँ से काट सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से 4 और 6 को काट देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, यानी यहाँ पर 2 आ चुका है, यहाँ पर 3 आ चुका है। तो चलिए इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 3 है तो 3 मैंने लिख दिया। अब अगला स्टेप देखिए आपको क्या करना है, 3 का गुणा आपको क्या इन सब में करना है, x माइनस 1 प्लस 8 में करना है, और 2 का गुणा आपको क्या 6 प्लस 2x प्लस 3 में करना है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए 3 का गुणा x में करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3x हो जाएगा। 3 का गुणा हम माइनस 1 में करते हैं तो माइनस 3 हो जाएगा। 3 का गुणा हम 8 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 2 का गुणा 6 में करेंगे, 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 का गुणा हम 2x में करते हैं कितना हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा। 2 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 3x है और यहाँ पर क्या है, 4x है। तो सबसे पहले हम जिसके पास x है उनको इधर लाएंगे। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, ये 4x इधर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3x माइनस क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि 4x इधर प्लस में है तो बराबर किस साइड में आएगा, तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है बराबर के इस साइड में और प्लस 6 लिखा हुआ है, तो 12 और 6 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो 18 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस 24 लिखा हुआ है, क्या माइनस 3 और प्लस 24 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 24 में से हम क्या करेंगे, 3 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 किस में होगा, प्लस में होगा। देखिए माइनस 3 और क्या है, प्लस 24 है। माइनस और प्लस माइनस होता है, 24 में से हम 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा। तो 21 प्लस में रहेगा, तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर 21 है, अब बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जो प्लस 21 था यहाँ पर आ जाएगा माइनस 21 हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इस तरीके से करने से आपका एक स्टेप कम हो जाता है, जिससे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4x है, इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस होगा, तो 4x से 3x घटाएंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, 1x। तो 1x को आप x लिख सकते हैं। यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। बराबर क्या है, 18 माइनस 21 है, तो 21 में से हम क्या करेंगे, 18 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, क्या होगा, माइनस में 3 आएगा, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस साइड भी माइनस का चिन्ह है, इस साइड भी माइनस का चिन्ह है। जब दोनों साइड माइनस के चिन्ह होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या, दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो इसे हम लिखेंगे x बराबर 3। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे समीकरण हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इन्हीं सब प्रश्नों पर प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।